कमर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 10 शुरू हो चुका है और इस बार इस शो में सेलिब्रिटीज के साथ साथ आम आदमी ने भी दस्तक दी है। इस शो में खुद को सन्यासी कहने वाले स्वामी ओम जी महाराज इन दिनों बिग बॉस 10 में बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रहे हैं। बाबा घर के अंदर क्या क्या कर रहे हैं ये तो सबने देखा है। कभी बाबा लड़कियों से फ्लर्ट मारते दिखते हैं तो कभी बाबा को चोरी करते हुए देखा गया, लेकिन पर्दे के बाहर की सच्चाई तो और भी चौंकाने वाली है। जी हाँ, कम ही लोग जानते होंगे कि बाबा पर अपने ही भाई की दुकान से चोरी का आरोप है। उनके पास से महिलाओं के अश्लील फोटोज बरामद की जा चुकी है जिनसे वो उन्हें ब्लैकमेल किया करते थे। बिग बॉस के घर में जाने से ठीक दो दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट में पेश न होने की वजह से ओम जी के खिलाफ गैर जमानती वारंट इशू हुआ था, लेकिन जब बाबा की तरफ से कोई भी पेश नहीं हुआ तो उसके खिलाफ फिर से यही वारंट जारी किया गया। अगली सुनवाई 8 नवंबर को है। बाबा के खिलाफ ये चौथा गैर जमानती वारंट है जो 2008 में चोरी के मामले में जारी किया गया है। 14 अक्टूबर की सुनवाई से पहले ओम जी ने कोर्ट से वकील की मांग की थी। उसने कहा था कि उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए वो वकील नहीं रख सकता। ओम जी के छोटे भाई प्रमोद झा ने 2008 में उसके खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि उसने दिल्ली की लोधी कॉलोनी स्थित प्रमोद की दुकान का ताला तोड़कर 11 साइकिलों समेत कई महंगे स्पेयर पार्ट्स और कागजात चुराए हैं। प्रमोद के मुताबिक उनके बेटे ने ओम जी को दुकान का ताला तोड़ते और चोरी करते देखा था। पुलिस ने ओम जी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली थी। बाबा के नाम कॉन्ट्रोवर्सीज का पूरा पिटारा है। दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के मुताबिक डकैती और चोरी के अलावा बाबा पर आर्म्स एक्ट और टाडा के तहत 7 मामले दर्ज हैं। इसके अलावा हाल ही में बिग बॉस शो में तीसरे दिन ही शो की सह प्रतियोगी लोपा मुद्रा को भी बाबा ने धमकी दी। अब देखना ये है कि ये बाबा कितने दिन इस शो में टिकते हैं और कैसे कैसे रंग दिखाते हैं।